हेलो दोस्तों, अमन कंप्यूटर 2.0 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ोटो एडिटिंग किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो फ़ोटो था कुछ इस तरीके से था और उसे मैं क्या किया हूँ, इस तरीके से एडिटिंग किया हूँ। एडिटिंग में मैं क्या क्या बदलाव किया हूँ वो भी आप देख लीजिए। मेरा जो पहले वाला फ़ोटो था उसका जो टी शर्ट था इस तरीके से व्हाइट था और उसे मैं यहाँ पर कलर किया हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेस था काफ़ी इस तरीके से ब्लैक था, उसमें क्या क्या इस तरीके से गोरा किया हूँ। तो कुछ इस तरीके से अगर जो आप भी सीखना चाहते हैं कि ये सारा काम एडोब फोटोशॉप में कैसे किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छा सा फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने लैपटॉप में एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपना एडोब फोटोशॉप यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। एडोब फोटोशॉप जब आपको ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने फोटो को ओपन करना होगा। तो फोटो ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस कीजिएगा। चलिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ से फ़ोटो ओपन कर लेना। चलिए मैं अपना फ़ोटो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा जो फ़ोटो है PNG में है। तो अगर जो अभी चाहते हैं कि ये PNG में फ़ोटो किस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये काम करना अभी चाहते हैं, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ जिसे आप देखकर सीख सकते हैं कि किसी भी फोटो को PNG में कैसे बनाया जाता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप सीख सकते हैं कि किसी भी फोटो को PNG में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि यह जो ये वाला जो मेरा फोटो है PNG में है। PNG में कहने का मतलब हुआ कि PNG में जो फोटो होता है उसे आप कहीं पर भी ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ से ये वाला फ़ोटो को मैं उठाऊँगा और एक अच्छा सा बैकग्राउंड पर ले जाकर मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। तो चलिए मैं वो वाला भी बैकग्राउंड को मैं ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल ओ करता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ से मैं वो वाला भी जो मैं बैकग्राउंड बताया था डाउनलोड मैं किया हूँ, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। एक अच्छा सा बैकग्राउंड आप भी डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से, जो भी आपको अच्छा लगता है वो वाला डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटो दोनों ओपन हो चुका है। फ़ोटो ओपन हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको टूल पैनल पर चलना होगा। चलिए मैं टूल पैनल पर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए टूल पैनल रहता है यहाँ पर एडोब फोटोशॉप में। टूल पैनल में आपको क्या करना होगा, यहाँ से मूव टूल को ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। इस तरीके से मूव टूल को मैंने सिलेक्ट किया। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अपने फोटो को इस तरीके से क्लिक करते हुए माउस से प्रेस करते हुए इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से उठाकर अपने बैकग्राउंड पर ले जाकर इसे छोड़ देना है, यानी कि पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हैं कि आपका फोटो यहाँ से उठकर इस वाले बैकग्राउंड पर आ चुका है। इतना करने के बाद अब आपका इसका कोई काम नहीं है, तो इसे आप हटा सकते हैं। अब जो भी आप काम कीजिएगा इस पर कीजिएगा। तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोटो को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल टी जब आप प्रेस कीजिएगा तो इस तरीके से एक रेंज बन जाएगा जिससे आप माउस से चारों तरफ से पकड़कर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद ऊपर में एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप टिक आउट कर दीजिएगा। देख सकते हैं कि मैं क्या किया, नए वाले बैकग्राउंड पर लाकर मैं इसे पेस्ट कर दिया हूँ। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने टी शर्ट को कलर करूँगा, यानी कि दूसरा रंग इसमें डालूंगा। यानी कि ये जो वाइट है इसमें मैं ब्लू करूँगा, या फिर जो भी आप कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। चलिए मैं किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इतना करने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, अब आपको लेयर पैनल में काम करना है। तो अगर जो आपके एडोब फोटोशॉप में लेयर पैनल ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं है, तो इसे ऑन करने के लिए आपको विंडो पर क्लिक करना है। विंडो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा लेयर, इस पर आपको टिक आउट करना है, तो आपका लेयर पैनल ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। चलिए इतना काम आप कर लीजिएगा। अगर जो ऑन नहीं रहेगा तब कीजिएगा, अगर जो ऑन है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है ऑन तो इसे आप सबसे पहले ऑन कर लीजिएगा, तो ही आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ऑन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, देख सकते हैं कि लेयर पैनल में मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर देखिएगा लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्रिएट ए न्यू फाइल एडजस्टमेंट लेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर में जाना है, आपको शॉर्ट कलर पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो रेड भी कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। तो चलिए मैं ब्लू वाला कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद मैं थोड़ा सा इस तरीके से ये वाला कलर मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। इस तरीके से आपको भी ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करना है। चलिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ। तो
इस तरीके से देख सकते हैं कि आप अपने फोटो पर आ जाएंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको दोबारा से टूल पैनल पर चलना है। चलिए मैं टूल पैनल पर चलता हूँ। टूल पैनल में आपको क्या करना है, ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ऑप्शन रहता है ब्रश टूल, इस तरीके से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं घटा भी सकते हैं। और आपको ब्रश का साइज जो चुनना है ये वाला चुनना है 9 वाला, इस तरीके से इसे आपको चुन लेना है। इतना करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं कुछ इस तरीके से, घटा या फिर आप घटा भी सकते हैं। चलिए इतना आप कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपने फ़ोटो को जूम करना होगा। फ़ोटो को जूम करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस का यूज़ कर सकते हैं, तो आपका फ़ोटो इस तरीके से जूम होता है, और कंट्रोल माइनस से इस तरीके से आपका फ़ोटो जूम आउट होता है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। जूम कर कर आप जब एडिटिंग कीजिएगा तो अच्छी तरीके से होता है, तो इसलिए मैं फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ ब्रश टूल का यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, अपने माउस से कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करता हूँ। देख सकते हैं कि मेरा जो टी शर्ट रहेगा कलर हो जाएगा, लेकिन ये जो कलर हो रहा है ये देखने में आपको बिल्कुल ही ख़राब लगेगा, लेकिन मैं आपको इसे सही कर बताऊंगा। यानी कि इस वाले टी शर्ट में इसे आप अच्छी तरीके से सेटअप कर सकते हैं, यानी कि फिट कर सकते हैं, जो कि देखने में आपको नहीं लगा कि ये वाला टी शर्ट एडिट किया हुआ है। तो वो काम आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से लेयर पैनल पर जाना है। लेयर पैनल में देखिएगा ऊपर में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नॉर्मल का बॉक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नॉर्मल का बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल यहाँ पर देखिए इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि आपका जो कलर आपने सिलेक्ट किया था ब्लू वाला कलर, आप देख सकते हैं कि वो जो कलर रहेगा टी शर्ट में मैच कर जाएगा, यानी कि वह देखने में नहीं लगा कि ये वाला टी शर्ट एडिट किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी कर लेना है। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छी तरीके से अपने पूरे फोटो पर यानी कि पूरे टी शर्ट पर अच्छी तरीके से मैं इसे अच्छी तरीके से इसमें कलर ऐड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको भी कर लेना है। चलिए मैं फटाफट जल्दी से कर लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपने पूरे टी शर्ट पर इस तरीके से कलर कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर जो आप चाहते हैं कि अपने टी शर्ट पर कोई और भी कलर ऐड करना चाहते हैं, तो और भी कलर ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको क्या करना होगा, लेयर पैनल पर जाना होगा। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर लेयर पैनल है मेरा, इस वाले लेयर पैनल में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक का मार्क्स दिखाई देगा, इस पर आपको कंट्रोल को प्रेस किए हुए क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक जब आप कीजिएगा तो आपके पूरे टी शर्ट पर कुछ इस तरीके से सिलेक्शन बन जाएगा। सिलेक्शन बनने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इस तरीके से कलर वाले बॉक्स पर इस तरीके से डबल क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहां से अलग अलग कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर बेहतर लगेगा उसे आप ओके कर दीजिएगा तो वो ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपको जो भी आपको यहाँ पर ठीक लग रहा है ये वाला कलर, और भी देख सकते हैं आपको जो भी ठीक लगे येल्लो पीला, यानी कि इसका यूज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अपने टी शर्ट पर ये वाला कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है आपको डिसलेक्शन के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने अपने पूरे टी शर्ट पर कलर कर लिया है। तो अभी कुछ इस तरीके से आप अपने मनपसंद कलर ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ अपने फेस को मैं गोरा करता हूँ। तो फेस को गोरा करने के लिए आपको वही काम करना जो स्टेप आप टी शर्ट वाले में टी शर्ट को कलर करने में किए थे, सेम उसी स्टेप को फॉलो कर आप फेस को गोरा भी कर सकते हैं। तो वही काम करना है आपको, लेयर पैनल में जाना है। लेयर पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में जो मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट लेयर पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको शोल्डर कलर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप जो फेस जो गोरा होता है जैसा जो गोरा फेस का कलर होता है उस कलर को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं उस वाले कलर को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो चलिए ये वाला मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करना है। तो इस तरीके से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको वही काम करना है, ब्रश टूल आपको सिलेक्ट रखना है और वही काम आपको करना जो आप काम आप टी शर्ट पर किए थे। चलिए मैं अपने फोटो को इस तरीके से कंट्रोल प्लस से मैं जूम कर लेता हूँ। जूम कर आप कीजिएगा तो फोटो एडिटिंग ज़्यादा बेहतर से होता है। इस तरीके से राइट क्लिक कर मैं इसे अपने ब्रश का साइज इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद आप इस तरीके से ड्रैग कीजिएगा जैसे कि देख सकते हैं। इतना करने के बाद अब आप देखिएगा कि आप जब आप इस तरीके से कीजिएगा तो आपका जो कलर रहेगा वह फेस पर अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। लेकिन इसे मैच कराने के लिए एक काम आपको और भी करना है, जो काम आप टी शर्ट पर किए थे वही काम आपको फेस पर भी करना है। तो सेम स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल वाले बॉक्स पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर मैं थोड़ा सा इसमें जूम कर आपको दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। ये देखिए सॉफ्ट लाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि मेरा जो कलर था फेस में मैच कर गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी कर लेना है। अब चलिए मैं फटाफट अपने पूरे फेस पर इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे मैं फिर सेटअप कर देता हूँ, यानी कि पूरे फेस पर अच्छे तरीके से आप सावधानी से कर लीजिएगा। चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं अपने फेस को इस तरीके से गोरा कर लिया हूँ। तो ब्रश का यूज़ कर आप इसका भी कुछ अच्छे तरीके से आपको भी इस्तेमाल करना है ब्रश का, तो इस तरीके से आपका भी फेस गोरा हो जाएगा। फेस जब आपका गोरा हो जाएगा तो आप अपने फेस में ब्राइटनेस यानी कि लाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने के लिए आपको वही काम करना है। अपने जो लेयर आपने बनाया था वो वाला ब्लैक वाले मास्क पर शिफ्ट कंट्रोल को प्रेस करते हुए इस तरीके से क्लिक करना है तो एक सिलेक्शन बन जाएगा। सिलेक्शन बनने के बाद अब आपको अपने फोटो वाले लेयर पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से मैं अपने फोटो वाले लेयर पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करना होगा तो कर्व्स का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना होगा बीच वाले लाइनिंग जो आपको दिखाई दे रहा है इसे आप इस तरीके से माउस से पकड़कर ऊपर की ओर इस तरीके से उठाइएगा तो आपके फेस में थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ेगा और दिखने में काफ़ी बेहतरीन लगेगा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपको डिसलेक्शन करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना होगा तो आपका फोटो इस तरीके से डिसलेक्शन हो जाएगा, यानी कि जो सिलेक्ट हुआ था वो हट जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से एडिट होता है फोटो एडोब फोटोशॉप में। ये जो आप मैं आपको बताया, ये सारा जो काम मैं आपको काम बताया, ये सारा काम बिल्कुल ही आसानी है। यह इससे आप अच्छी तरीके से फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फोटो को सेव कर लेता हूँ। फोटो को सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज में जाने के बाद अब आपको यहाँ से फाइल नेम दे देना, कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। फॉर्मेट में आपको इस पर क्लिक करके JPG को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको सेव कर देना है, यहाँ से भी आपको ओके कर देना है तो आपका फोटो जो आप एडिट किए हुए सेव हो जाएगा। चलिए मैं सेव हुआ कि नहीं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, जिस PC को मैं खोल लेता हूँ और देख सकते हैं कि मेरा जो फोटो था जो मैं आपको एडिट करके दिखाया था वो फोटो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप भी एडोब फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।